दिस इज़ मी कुरतुल्लैन एंड यू आर वॉचिंग पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। और जी आज का व्लॉग जो है ये काफ़ी क्वेश्चंस के बाद, काफ़ी क्वेरीज के बाद आज मैं अपलोड कर रही हूँ। ये तमाम उन पेरेंट्स के लिए है, मदर्स के लिए स्पेशली, जिन्होंने मुझे बार बार रिक्वेस्ट भेजी हैं कि हमें ब्रिटिश स्कूल, अफोर्डेबल ब्रिटिश स्कूल के बारे में बताएं, इधर दे आर इन शारजा एंड दुबई और इन अजमान। तो उसके बारे में आज मैंने आप लोगों को बताना है विद फी कि कौन से यहाँ पे अफोर्डेबल ब्रिटिश करिकुलम के साथ स्कूल्स हैं और कब उनका सेशन स्टार्ट होता है, और कुछ एक दो एरियाज़ का भी बताऊँगी लिविंग के लिए। तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर, अगर आपने अभी तक पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जी ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं साथ साथ अपने बच्चों की भी तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ जी आपको मैं देती हूँ इन्फॉर्मेशन। तो जी सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश करिकुलम की। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब की कोशिश होती है कि हमारे बच्चे ब्रिटिश करिकुलम में पढ़ने चले जाएँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यूएई के अंदर ब्रिटिश करिकुलम इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा पेरेंट्स आके फिर कभी वो CBSE करिकुलम, मतलब इंडियन करिकुलम में डाल देते हैं या फिर पाकिस्तानी करिकुलम में डाल देते हैं। लेकिन आपको पता है कि आजकल का जो दौर है, व्हेन यू आर लिविंग इन इंटरनेशनल कंट्रीज, सो उसके लिए ज़रूरत है कि आपका बच्चा ब्रिटिश करिकुलम ही पढ़े। तो जी आज मैं आपको चंद ऐसे स्कूलों का बताने जा रही हूँ जो कि अफोर्डेबल हैं और वहाँ पे अगर आपके दो या तीन बच्चे हैं तो साथ साथ आपको सिबलिंग डिस्काउंट भी मिलेगा। और उसके अलावा जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी अफोर्डेबल स्कूल हैं ब्रिटिश करिकुलम के साथ, उनका एडमिशन का ये होता है कि जब रजिस्ट्रेशन ओपन होती है तो रजिस्ट्रेशन फुल हो जाती हैं फ़ौरन और मुश्किल से आपको वहाँ पे एडमिशन मिलते हैं। तो इस वजह से अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द एडमिशन्स इन अफोर्डेबल ब्रिटिश सिस्टम, तो आपने क्या करना है कि जाके प्री रजिस्ट्रेशन करानी है। और मुझे काफ़ी सारे ये भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या उसके लिए जो 500 होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या वो रिफंडेबल है? नो, दे आर नॉट रिफंडेबल, दैट इज़ फॉर वन टाइम पेमेंट और वो आपको रिफंडेबल नहीं है। अगर आपका एडमिशन होता है या नहीं होता है, वो जो 500 दिरहम जो आप पे करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको रिटर्न नहीं होने और वो आपके बच्चे की कंफर्मेशन जस्ट रजिस्ट्रेशन की होगी। इसके अलावा अगर कुछ स्कूलों के टेस्ट क्राइटेरिया की बात करें तो एंट्री टेस्ट होता है और कुछ स्कूल्स में होता है CAT 4 का जो कि है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कुछ स्कूल्स में असेसमेंट होती है, छोटे बच्चों की असेसमेंट होती है, लेकिन बड़े बच्चों का ज़्यादातर ब्रिटिश स्कूलों में CAT 4 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे UAE की गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा अगर आप आ रहे हैं दूसरे कंट्री से तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा के आए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स से, और फिर आपने UAE की भी एम्बेसी से उनको अटेस्ट करवाना है। तो खैर ये तो अटेस्टेशन वगैरह के लिए मैंने एक पहले भी एक ब्लॉग पूरा स्कूल के हवाले से अपलोड किया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको देखना है तो फर्दर जाके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, अटेस्टेशन क्या है, कैसे है सारा, वो आप जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अफोर्डेबल चीप स्कूल्स कौन कौन से। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक दुबई के अंदर जो सबसे सस्ता इस टाइम में अफोर्डेबल स्कूल है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल। अच्छा जी, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल जो है उसकी बहुत ही कम फीस है, कोई 7,000 दिरहम है या 8,000 दिरहम उसकी साल की फ़ीस है। इसके अलावा जो एक और एक्सपेंस है, वो जब भी आप एडमिशन नया करवाएंगे तो आपको यूनिफॉर्म और बुक्स के पैसे देने होते हैं और स्टेशनरी का भी एक सेपरेट सेट होता है। तो अगर उसकी बात करें ना, किसी भी खैर वो स्कूल में आप एडमिशन करवाएंगे ना, तो उसमें आपका 500 एक बच्चे का यूनिफॉर्म का आ जाएगा और उसके अलावा 700 to 1,000 दिरहम आपका एक बच्चे का बुक्स का सेट आएगा। और उसके अलावा जो स्टेशनरी है जिसमें ये पेंसिलें मार्कर इरेजर्स वगैरह आते हैं, तो वो आपका पूरा सेट जो है वो 300 to 400 दिरहम का आता है। तो ये तो इनिशियल कॉस्ट है सारी। और उसके अलावा जी अगर बात कर रहे थे हम फीस की, तो पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया वो ब्रिटिश करिकुलम है और वो ओवरलोडेड स्कूल है भाई। वहाँ उनका टेस्ट भी बड़ा मुश्किल है, अगर आप बच्चे पास कर लेते हैं तो वो बहुत ही अफोर्डेबल स्कूल है। और वही है, अगर आपने बिल्कुल अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखना है तो फिर अपने बच्चे को खुद पिक एंड ड्रॉप दें, तो आपको यही है कोई 700 to 800 मंथली उसका पड़ेगा। अच्छा जी, उसके अलावा जो एक और ब्रिटिश स्कूल की बात करते हैं, फिर आ जाते हैं ये ऑक्सफोर्ड स्कूल है, उसकी साल की एक बच्चे की 15 to 16,000 दिरहम फीस है। ये वैसे कहने को तो कम है, लेकिन दिस इज़ डबल अमाउंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल। तो ये जी 15 to 16,000 है, लेकिन ये है कि कम है, ये अफोर्डेबल में आता है। और ये स्कूल है जी कसेस में, वो जो पहले मैंने इंग्लिश लैंग्वेज बताया वो डेरा में है। अब ये जो कसेस में आपको काफ़ी सारे ऐसे स्कूल मिलेंगे जो कि
के बजट फ्रेंडली है। इसी तरह एक है जी अल सादिक इस्लामिक स्कूल है, उसकी भी 7,000 to 8,000 दिरहम उसकी साल की फ़ीस है और ये ब्रिटिश करिकुलम वाला स्कूल है और बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं भी अपने बच्चों के लिए गई थी, लेकिन यही है कि मैंने आपको पहले बताया जितने भी अफोर्डेबल स्कूल हैं उनके एडमिशन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इस वजह से प्री रजिस्ट्रेशन करा के रखें। आप साल में कभी भी जाके चले जाएंगे ना तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम डाल देंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो जाके अपने बच्चे का टेस्ट दिलवाएं और जाके पेर हों। इसके अलावा जी एक और स्कूल आ जाता है, वो है एप्पल इंटरनेशनल स्कूल। एप्पल इंटरनेशनल स्कूल इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि वहाँ पर आपके बच्चे को स्पोर्ट्स आ जाएंगी, आपको स्विमिंग वगैरह जितनी भी सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है ना वो सारी यहाँ पे होती हैं और इसकी जी साल की फ़ीस है 15,000 से 16,000 दिरहम और अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो जी आपको सिबलिंग डिस्काउंट भी मिलता है। और जो मैंने आपको इनिशियल बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह की कॉस्ट बताई है वो ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो सेम होगी। और जी इसके बाद जी एक और स्कूल है, वेस्ट मिनिस्टर स्कूल है जो कि है जेम्स का है स्कूल है और ये उनका जेम्स चूँकि एक यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव एक स्कूल है, लेकिन वेस्टमिंस्टर जो है ये उनका एक सस्ता स्कूल है और इसकी फ़ीस जो है इसकी भी इसी तरह 7,000 से 8,000 दिरहम है साल की और ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे भी वही मसला आता है कि यहाँ के इसके एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। अगर आपने एडमिशन कराना है अपने बच्चे का तो जी उसके अलावा आप जाके जल्दी उसकी प्री रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप लोगों को एक और बात बताते चलूँ, जो कि लोग इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठे हुए हैं और वो पहले ही अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं किसी भी स्कूल के अंदर, तो यू कैन गो एंड यू कैन रजिस्टर योर चाइल्ड ऑनलाइन, क्योंकि जितनी भी स्कूल्स हैं उन सब की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ अवेलेबल और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के उसकी पेमेंट करके तो आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन आपकी तब होगी जब आपका बच्चा टेस्ट में अपेयर होगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और जी अगर आपने अभी तक पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अब जी आ जाते हैं पाकिस्तानी और CBSE करिकुलम की तरफ, मतलब इंडियन और पाकिस्तानी। अब ये है कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तानी और इंडियन एम्बेसी के अपने स्कूल्स होते हैं जो कि उनके अपने लोगों को सपोर्ट के लिए होते हैं और वो काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। इंडियन करिकुलम के जितने भी स्कूल्स हैं मैंने देखा है यहाँ पर UAE के अंदर वो बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, पर्पस बिल्ड उनके बहुत बड़े कैंपसेस हैं और बहुत ज़्यादा फोकस है उनका। तो मेरे बच्चे भी एक साल इंडियन करिकुलम में पढ़ते रहे और ये काफ़ी अच्छा होता है इंडियन करिकुलम। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तानी करिकुलम की, वो डेरा में एक स्कूल है पाकिस्तानी स्कूल, वो बहुत अच्छा है और उसकी फ़ीस भी इकोनॉमिकल है इसी तरह 7,000 to 8,000 है साल की और वहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो अजमान में और शारजा में पाकिस्तानी स्कूल हैं उनका जितने भी मैंने कुछ रिव्यूज़ सुने हैं वो मैंने पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं सुने हैं। मेरा काम है जी आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देना, तो वो जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है क्योंकि वो डेरा के अंदर जो पाकिस्तानी स्कूल है मैं वहाँ अपने बच्चों को भी लेके गई थी एग्ज़ाम के लिए, एडमिशन खैर नहीं हुआ था तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो उन्होंने असेसमेंट की थी और CAT 4 का एक कंप्यूटर का टेस्ट लिया था तो उससे अंदाज़ा हो गया था, टीचर से भी मुलाकात हुई थी, उनकी फैकल्टी भी अच्छी थी और उनके पढ़ाने का अंदाज़ भी अच्छा था। तो जी ये सारा है और अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की सारी आप सारे पेपर्स वगैरह साथ लेके आएँ। पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन है आपको स्कूल से रिलेटेड तो आप मुझे जी कमेंट करें या फिर इनबॉक्स करें या उसके अलावा जी आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो जी एंड करती हूँ आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।